अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर जो है वो ग्रोथ फैक्टर सिग्नलिंग एंड ऑन्कोजीन्स के मुतालिक है। इसके मुतालिक थोड़ा सा हमने पहले भी डिस्कस किया था, लेकिन आज जो है जरा थोड़ा सा जो रिमेनिंग जो टॉपिक कवर होने रह गए थे वो हम उसको कंप्लीट करेंगे। ग्रोथ फैक्टर सिग्नलिंग जो है दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू प्रोलिफरेटिव सिग्नलिंग, कंटिन्यूसली रीएक्टिवेशन एंड एक्टिवेशन ऑफ दीज सिग्नलिंग पाथवेज की ग्रोथ। सेल कंटिन्यूज ऑन प्रोलिफरेशन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और कैंसर सेल्स का ये हैलमार्क है। अच्छा, अब इसमें जब आप सिग्नलिंग की हमने बात की थी तो हमने सिग्नलिंग बताए थे कि जी फोर कंपोनेंट्स या फोर टायर सिग्नलिंग है। फोर टायर सिग्नलिंग का मतलब है फोर डिफरेंट प्रोटीन्स इन्वॉल्व है, स्टार्टेड फ्रॉम लाइगेंड, रिसेप्टर, एडेप्टर प्रोटीन और फिर सिग्नल ट्रांसड्यूसिंग जो प्रोटीन्स हैं या जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, फिर उसके अलावा इसमें जो आप देख रहे हैं ये सिर्फ EGFR की सिग्नलिंग नहीं, ये ऑल बंच ऑफ डिफरेंट प्रोलिफरेटिव सिग्नल्स हैं जो कि टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर से सेल की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें आप देख रहे हैं कि TGF अल्फा है, EGF है, एपीरेगुलिन्स है, बीटा सेलुलिन्स है। इस तस्वीर को दिखाने का ये मकसद है कि कैंसर सेल के जो मैकेनिज्म्स हैं वो इतने सिंपलिस्टिक नहीं है, उनमें बहुत सारे और पाथवेज भी इन्वॉल्व होते हैं और इसमें स्पिल ओवर सिग्नलिंग भी है कि अगर एक रिसेप्टर जो है अगर एक्टिवेट होता है तो वो रिसेप्टर जो है उस स्पिल ओवर सिग्नलिंग से अपने करीबी जो है ग्रोथ रिसेप्टर को भी एक्टिवेट कर सकता है। इसलिए ग्रोथ फैक्टर्स जो सिग्नलिंग है वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, सेल जो है दैट कंटिन्यूज ऑन मल्टीप्लाइंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन। ये टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर्स हैं डिफरेंट टाइप्स के, इनके इनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो एक ही है कि इन्होंने ग्रोथ जो सिग्नल्स हैं उनको इनसाइड सेल जो है ना लेके जाना होता है। इसमें EGF, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स, प्लेटलेट ग्रोथ फैक्टर, VEGF, FGF, ये टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर्स की फैमिली है जो कि इंटरनल जो है ना सिग्नल्स ट्रांसड्यूस करती है फॉर प्रोलिफरेशन पर्पजेस। जब ग्रोथ फैक्टर सिग्नलिंग अगर हम मॉडल सिग्नलिंग हमने चेक करनी हो तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो EGF की सिग्नलिंग है, क्योंकि ऑलमोस्ट टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर्स इसी सिग्नलिंग पाथवेज को फॉलो करते हैं। थोड़ा सा इंटरनल जो प्रोटीन है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन ऑलमोस्ट मेन जो थीम है वो पाथवेज की वो यही है जो EGF की है। अच्छा, इसमें यह देखने की जरूरत है कि EGF का जो पाथवे है इसमें जो कंपोनेंट्स हैं EGFR रिसेप्टर्स के उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एक्स्ट्रा सेलुलर बाइंडिंग डोमेन, ठीक है। उसके बाद आपका ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन आ जाता है और इसके बाद साइटोप्लाज्मिक डोमेन। जो ये साइटोप्लाज्मिक डोमेन है इसकी टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी होती है, ये फास्फोरिलेट होता है और ये फास्फोरिलेट होके फर्दर आगे जो है ना वो पाथवे को लेके चलता है। EGFR रिसेप्टर जो पाथवे है इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट वो ये है कि EGFR जो लाइगेंड है ये जब इस रिसेप्टर के साथ अटैच होता है तो ये दूसरे रिसेप्टर EGFR रिसेप्टर को भी क्लोज लेके आता है, तो ये होमोडाइमर बनता है, यानी कि दो रिसेप्टर्स का एक कॉम्प्लेक्स बनता है। होमोडाइमर बनने से ये फायदा होता है कि होमोडाइमर जो है दैट लीड्स टू एक्टिवेशन ऑफ जिस GRB2 प्रोटीन। GRB2 प्रोटीन के दो हिस्से होते हैं SH1-2 और SH3। SH2 की एक्टिवेशन की वजह से SH2 एक्टिवेट होता है, दैट लीड्स टू एक्टिवेशन SH3, लेकिन ये फॉस्फोरिलेशन की वजह से होता है। दैट मेड्स अ कॉम्प्लेक्स विद सेंस ऑफ 7 प्रोटीन SOS प्रोटीन, ठीक है। ये बिल्कुल ही मेम्ब्रेन के बिल्कुल नीचे ये प्रोटीन्स जो है ना एडेप्टर प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। ये प्रोटीन्स क्या करती हैं कि जब इनका कॉम्बिनेशन बनता है दे लीड्स टू एक्टिवेशन ऑफ रैस GTP, ठीक है। रैस GTP चेंज होता है रैस GTP में, दैट लीड्स टू कन्वर्शन ऑफ रैफ टू एक्टिव रैफ टू मैक। मैक जो है एक्टिवेट होके मैप काइनेसिस को एक्टिवेट करता है, मैप काइनेसिस ट्रांसलोकेट करते हैं न्यूक्लियस के अंदर और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बनाते हैं। अब जहां जो प्रोटीन्स बननी है ये वो प्रोटीन्स हैं जिनका ताल्लुक जो है वो सेल साइकिल के साथ होता है, तो यहां से जो प्रोटीन बन रही है वो सेल साइकिल प्रोटीन्स हैं। अच्छा, इसमें वही स्टेप्स हैं जो बताए हैं ग्रोथ फैक्टर बाइंडिंग के साथ, डाइमराइजेशन, डाइमराइजेशन के साथ ऑटोफॉस्फोरिलेशन। जब ऑटोफॉस्फोरिलेशन तो इंटरनल सिग्नलिंग कैस्केड GRB2 प्रोटीन का जो कि मैंने आपसे
पहले बात की है, और फिर इसके बाद ट्रांसलोकेशन साइकिल की प्रोटीन बनाएंगे। अच्छा, जो मैप काइनेज पाथवे चल रहा है उसमें आप ये देखें कि रैफ जो है वो एक्टिवेटेड रैफ में कन्वर्ट होता है। यही एक्टिवेटेड रैफ जो है दैट लीड्स टू कन्वर्शन टू ऑफ मैक टू एक्टिवेट मैक, फिर उसके बाद मैप काइनेजेस और ट्रांसलोकेट होते हैं। और ये जीन एक्सप्रेशन है, ये जो मैं आपको पहले बताता हूँ, ये सेल साइकिल प्रोटीन के साथ जो है ना एक ये रिलेट करता है। ये एक पाथवे का ओवरव्यू। अच्छा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इस पाथवे में है वो देखने लिए वो ये है कि रैस जब एक्टिवेट होता है, ठीक है, रैस एक्टिवेशन इज नॉट ओनली डिपेंडेंट अपॉन दिस GRB2 और SOS की एक्टिवेशन के साथ नहीं। ये देखें कि यहाँ जो फॉस्फोइनोसिट्रॉल 3 के जो है ट्राइकाइनेज जो एंजाइम है, ये एक्टिवेट भी कर सकता है रैफ को। बेसिकली ये जो PIP2 और PIP3 पाथवे है, जिसे PI3 के AKT पाथवे कहा जाता है, ये बेसिकली पाथवे जो है ये सर्वाइवल के साथ है, ये सर्वाइवल पाथवे है। अगर मैप काइनेसिस का जो पाथवे है उसको हम प्रोलिफ्रेटिव पाथवे कहते हैं, तो दिस PI3 के AKT पाथवे है बेसिकली सर्वाइवल पाथवे। तो जब ये पाथवे एक्टिवेट होता है तो सर्वाइवल के लिए जरूरी प्रोलिफ्रेशन भी है और प्रोलिफ्रेशन के लिए जरूरी सर्वाइवल भी, तो ये दोनों चीजें जो है वो इंटरलिंक्ड होती हैं। तो PIC के AKT पाथवे कैन ऑल्सो एक्टिवेट रैफ पाथवे, लेकिन ये नहीं होता कि प्रोलिफ्रेशन हो रही है तो सर्वाइवल जो है ना उसको भी लाजमी है एक्टिवेट करना है। अच्छा, रैस को एक्टिवेट करने के लिए जो एंजाइम जरूरी है दैट आर GEF, जिनको गुआनिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज इफेक्टर्स जो है वो कहा जाता है। इसी तरह इनको डीएक्टिवेट करने के लिए वी हैव स्पेशल गैप्स। गैप्स जो है ये GTPase एक्टिवेटिंग प्रोटीन्स हैं जो GTPase को कन्वर्ट करती हैं इनटू इनएक्टिव GTP फॉर्म। रैस एक्टिवेशन कैन लीड टू 3 डिफरेंट पाथवेज, ठीक है। इट कैन गो अहेड विद द सेल साइकिल प्रोग्रेशन, इट कैन इंड्यूस PI3 के पाथवे फॉर सेल सर्वाइवल, एंड आल्सो इट कैन गो अहेड विद दिस पाथवे टू हैव अ ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रैस प्रोटीन जो है दैट आल्सो एक्ट्स एज अ ऑनको प्रोटीन। अच्छा, अब एक तो ये भी याद रखना है कि जब एक्टिवेशन हो रही है तो डीएक्टिवेशन भी नॉर्मल प्रोसेस चाहिए एक नॉर्मल सेल्स में। उसमें एडिशनली फॉस्फोरिलेशन हो या डीफॉस्फोरिलेशन हो या रैल टाइप जो है नेगेटिव रेगुलेटर्स जो है वो एक्ट करें, या एंडोसाइटोसिस हो, डीग्रेडेशन हो या डाउन रेगुलेशन रिसेप्टर की, दीज ऑल प्रोसेसेस लीड्स टू अ मैकेनिज्म इन विच द सेल स्टॉप प्रोलिफरेटिंग। और ये ज्यादा जरूरी नॉर्मल सेल्स में। जो कैंसर सेल्स हैं वो इन पाथवेज को अबाइड नहीं करते, दैट वाई दे गो ऑन प्रोलिफरेटिंग। वो हम आप आगे देखते हैं कि पाथवे है। इसके अलावा मैप काइनेसिस में ये कुछ पाथवेज हैं, मैप और जेएन के पाथवेज, जेएन के और P338 पाथवे। ये आपने याद रखना है कि बेसिकली ये एपोप्टोसिस को ट्रिगर करता है। AP1 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, जो कि आगे जब मैप काइनेज न्यूक्लियस में ट्रांसलोकेट करता है तो AP1 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को एक्टिवेट करता है, जो कि आगे सेल साइक्लिंस या साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस जिन्होंने सेल साइकिल को चलाना होता है उनको एक्टिवेट करते हैं। माइक इज अनदर ग्रुप ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। तो जो है ना इनके जो जीन टारगेट्स हैं वो NRAS है और P53 है। है कि कैंसर सेल जो है एक तो प्रोलिफेरेटिव सिग्नलिंग तो ऑब्वियसली कर रहा है, लेकिन वो मल्टीपल लेवल पे इन पाथवेज को एक्टिवेट करता है, ग्रोथ फैक्टर्स के पाथवे का। वो म्यूटेशन भी हो सकती हैं, पॉइंट म्यूटेशंस, इंसर्शन, डिलीशंस, इन्वर्शन, डुप्लीकेशंस, एपिजेनेटिक चेंजेस भी हो सकती हैं, माइक्रो आरएनएस भी हो सकते हैं, ठीक है, यूबिक्विटिनेशन का प्रॉब्लम भी हो सकता है। दीज ऑल चेंजेस लीड के जी आपका जो है ना ग्रोथ फैक्टर सिग्नलिंग जो है ना वो कंटिन्यूसली जो है ना सेल के अंदर जारी। जो कैंसर है बेसिकली ये मल्टी स्टेज प्रोसेस है, ये नहीं होता कि आपको जो है ना एकदम ही एक दिन में ही कैंसर बन जाता है। इट विल टेक ईयर्स ऑफ ईयर्स फॉर कैंसर टू डेवलप, ठीक है। हाँ, अलबत्ता अगर कोई केमिकल्स होंगे या कोई रेडिएशन इंड्यूस्ड है उनमें हम सोच सकते हैं कि वो ज्यादा जल्दी हो जाते हैं, अदरवाइज अगर आपके नॉर्मल बॉडी में म्यूटेशंस आ रही हैं तो वो जरा थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है, फ्रॉम नॉर्मल सेल्स टू अ मेटास्टेटिक ट्यूमर। एपिजेनेटिक चेंजेस, ट्रांसक्रिप्टोमिक चेंजेस, प्रोटियोमिक और मेटाबॉलिक, इन सारे लेवल्स पे कहीं ना कहीं चेंजेस हो रही होती हैं,
जो अल्टीमेटली लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ ए कैंसर। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें अब सिग्नलिंग की ये बात हो चुकी थी कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो है ना वो जब एक्टिवेट हो जाते हैं तो उनको अगर डीएक्टिवेट नहीं किया जाता दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कैंसर। अब ऑन्कोजीन्स का और ट्यूमर सप्रेसर जीन्स का बड़ा जबरदस्त बैलेंस है एक जिस्म के अंदर, और उसमें ये है कि ऑन्कोजीन उसको कहते हैं कि जो नॉर्मल आपके प्रोलिफरेशन के लिए जीन्स है या आप वो चेंज हो गई हैं, ठीक है, वो म्यूटेट हो गई हैं, तो वो क्या करती हैं, वो प्रोलिफरेशन को लेके चलती हैं। इसी तरह जब सेल साइकिल चलता है, प्रोलिफरेशन हो रही होती है, एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन हो रही है, तो उसमें भी म्यूटेशन होती है ऑब्वियसली। तो अल्लाह ताला ने कुछ चेक पॉइंट्स रखे हुए हैं। अब क्या वो चेक पॉइंट्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो चेक पॉइंट्स जो हैं वो डिफरेंट लेवल्स पे अगर डीएनए रेप्लिकेशन का प्रॉब्लम आ रहा है, माइटोसिस के जो है प्रोटीन सही नहीं बनी, तो उन दोनों लेवल्स पे उसको सेल की ग्रोथ को चेक किया जाता है। लेकिन म्यूटेशंस बाज़ दफ़ा इतनी सीवियर होती हैं कि ये ट्यूमर सप्रेसर जीन जिन्होंने चेक करना होता है ये इटसेल्फ इतनी म्यूटेट होती हैं कि ये नॉर्मल उन चेक पॉइंट्स को एक्ट नहीं करने देती। डीएनए रेप्लिकेट हुआ, खराब हुआ, म्यूटेट हुआ, दैट गोज ऑन फर्दर मल्टीप्लीकेशन। रेट्रोवायरसेस से रिलेटेड जो स्टडीज हुई थी जिसमें कि रेट्रोवायरसेस भी जो है ना कैंसर कॉज कर सकते हैं, ये रॉस ने सबसे पहले जो है ना वो की थी, और उसने आइडेंटिफाई की थी वी सर्क एक जो है ना ऑनको प्रोटीन जो के प्रोलिफरेशन करती है। अच्छा, अब जब आप ऑन्कोजीन्स को देखते हैं, ऑन्कोजीन्स में अब जब चेंज आ रही है, पॉइंट म्यूटेशन ड्यू टू स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेस, ड्यू टू डिलीशंस, क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन, इंसर्शनल म्यूटेजेनेसिस, जीन एम्प्लीफिकेशन, दीज ऑल चेंजेस लीड टू एन एक्टिवेशन ऑफ अ ऑन्कोजीन। वो रैस ऑन्कोजीन हो, माइक हो, सर्क हो, वो सारों में ये कहीं ना कहीं ये चेंजेस आती हैं जिसकी वजह से जो प्रोलिफरेशन जो है ना वो अनकंट्रोल। अच्छा, अब ट्रांसलोकेशन में एग्जाम्पल सीएमएल के पेशेंट्स में आप देखते हैं कि ट्रांसलोकेशन दो सेगमेंट क्रोमोसोम के जो चेंज हो रहे हैं इसमें बीसीआर एबीएल ट्रांसलोकेशन बहुत कॉमन। इसी तरह बर्किट लिम्फोमा में जो आप ट्रांसलोकेशन देखते हैं दैट इज आईजीएच और माइक रीजन की जो ट्रांसलोकेशन है ना वो आपको बहुत कॉमन। ये कुछ जीन्स हैं जो कैंसर एसोसिएट जीन फ्यूजन्स हैं डिफरेंट जो कि आप डिफरेंट कैंसर में मिलते हैं। यू जस्ट रीड इट, यू डोंट हैव। ये प्रोटोन को जीन्स की लिस्ट है, उसमें ग्रोथ फैक्टर्स हैं, रिसेप्टर्स हैं, सिग्नल ट्रांसड्यूसर्स हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं जो कि एज अ प्रोटो ऑन्कोजीन से मतलब ये नॉर्मल सेल्स की प्रोलिफरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब इनमें म्यूटेशन होती है और दे बिकम ऑन्कोजीन दैट लीड्स टू डिफरेंट कैंसर। जिस तरह PDGFB अगर ग्रोथ फैक्टर अगर आप चेंज करते हैं तो एस्ट्रोसाइटोमा या ऑस्टियोसारकोमा हो सकता है। इसी तरह अगर आप हेलिक्स लूप हेलिक्स जो प्रोटीन है एन माइक है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स में उनको चेंज करेंगे तो दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोमा व्हिच इज अ सीएनएस ट्यूमर। अच्छा, अब ये तकरीबन 8 डिफरेंट क्लासेस में ऑन्को प्रोटीन्स को डिवाइड किया गया है। वो स्टार्टेड फ्रॉम ग्रोथ फैक्टर, टायरोसिन काइनेजेस, साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन्स, मेम्ब्रेन एसोसिएटेड जी प्रोटीन्स, सीरीन थ्रियोनिन काइनेजेस हैं, फिर सेल साइकिल रेगुलेटर, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स और इंटरसेलुलर मेम्ब्रेन फैक्टर्स हैं। यू डोंट हैव टू रिमेम्बर इट, यू जस्ट हैव टू रीड इट के यू गॉट एन आइडिया कि जी मेजर ऑन्को प्रोटीन्स जो हैं वो कहाँ कहाँ हमारे जिस्म में कौन कौन सी प्रोटो ऑन्को जीन्स जो है ना वो चेंज हो। ट्यूमर सप्रेसर जीन्स और कुछ ऑन्को जीन्स है उसकी ये टेबल है, ठीक है, यू जस्ट हैव टू गो थ्रू इट। इसी तरह इस टेबल में ट्यूमर सप्रेसर जीन्स जो है RB1, P53 और अदर ट्यूमर सप्रेसर जीन्स उनका नॉर्मल फंक्शन क्या है, एंड इफ दे बिकम्स एबनॉर्मल तो कौन से कैंसर जो है ना वो प्रोड्यूस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल RB जीन रेट्रोब्लास्टोमा 1 जीन जो है सेल साइकिल रेगुलेटर है, अपोप्टोसिस को भी से बचाती है आपको, लेकिन ये कि अगर ये खराब हो जाए तो रेटिनोब्लास्टोमा व्हिच इज एन आई ट्यूमर, लंग, ब्लैडर, ब्रेस्ट और पैंक्रियाटिक जो कार्सिन ओरिजिनेट करती है। ये इसी तरह उनका एक और टेबल है, और ये टेबल में बताया गया है कि व्हाट डायग्नोस्टिक मोडेलिटीज वी हैव इन आवर हैंड टू सी फॉर दीज चेंजेस के पीसीआर और इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री में या सीक्वेंसिंग करवाएंगे यू विल गेट टू नो P53 म्यूटेशंस कौन सी म्यूटेशंस हैं, और आपको ये भी पता चल जाता है कि वाइदर दीज म्यूटेशंस मेंट टू मेक अ नॉर्मल प्रोटीन या ये म्यूटेशंस जो है ना वो मिससेंस म्यूटेशंस जिनका कोई जो है ना उस पे इफेक्ट नहीं होगा।
यहाँ आपके पास ना EGFR का कैंसर से रिलेशन जो बताया गया उसमें पांच डिफरेंट आपके पास फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ना EGFR जो है ना उसका जो है ना उसकी एक्टिवेशन जो है ना वो सेल को प्रोलिफरेट करवाती है, सेल को बेसिकली खराब कर रही है। अगर EGFR रिसेप्टर्स की ओवर एक्सप्रेशन हो जाए, ऑटोक्राइन लाइगेंड्स प्रोड्यूस हो जो कि अंदर से बन रहे हैं लाइगेंड्स और वो ऑटोमेटिकली स्टिमुलेट कर रहे हैं रिसेप्टर को, हेट्रोडाइमराइजेशन हो, जरूरी नहीं कि होमोडाइमराइजेशन में EGFR के साथ लगे, जिससे मैं आपको स्पिल ओवर सिग्नलिंग की बात कर रहा था, PDGF का रिसेप्टर जो है वो एक्टिवेट होके, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर का रिसेप्टर एक्टिवेट होके साथ स्पिल ओवर होने के साथ वो कॉम्बिनेशन बना सकते हैं EGFR रिसेप्टर के साथ। इसी तरह EGFR फैक्टर की अगर रिसेप्टर की डाउन रेगुलेशन ना हो, ठीक है, या इटसेल्फ जो है EGFR रिसेप्टर की अपनी कोई म्यूटेशन, सो दीज ऑल लीड्स टू जो है ना कंटिन्यू। अच्छा, अब ये कुछ ड्रग्स हैं जो कि अभी थेरेप्यूटिकली जो है ना अवेलेबल हैं, कुछ क्लिनिकल ट्रायल्स में हैं। EGFR ड्रग्स हैं इरीसा, टारसिवा और टाइकेरेब जो है, ये जो है ना रिसेप्टर को ब्लॉकर्स जो है ये दी जाती हैं, और खास तौर पे प्रोलिफ्रेशन में जो ऐसे ट्यूमर्स, रीनल सेल कार्सिनोमास हैं, लंग कैंसर है, जिसमें EGFR की जो है म्यूटेशंस पाई जा रही हैं, तो उसको ब्लॉक करने के लिए वी हैव दीज काइंड्स ऑफ ड्रग्स हियर। इसके अलावा नेक्सावर है, ज़ेलबोरेफ है जो रैफ को इनहिबिट करती है, मैक इनहिबिटर्स जो है वो अभी क्लिनिकल ट्रायल्स में है, ग्लिविक एक बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इफेक्टिव ड्रग है जो कि CML के पेशेंट में, क्रॉनिक माइलाइड लुकीमिया के पेशेंट में दी जाती है, ये ट्रांसलोकेशंस को रिवर्स करती है ग्लिविक और इनहिबिट करती है टायरोसिन काइनेज को। अच्छा, अब अगर आप बात करते हैं जेनेटिक इंस्टेबिलिटी की, तो इसमें ये होता है कि जब कैंसर सेल्स डिवाइड कर रहे होते हैं और एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन हो रही है, तो बार दफा आपको क्रोमोसोम्स की एबनॉर्मल नंबर आपको नजर आता है। अगर आप सेल्स को इंडिविजुअली देंगे देखेंगे और खासतौर पर ट्यूमर के सेल्स को, तो वो सोमेटिक सेल से डिफरेंट होंगे। सोमेटिक सेल्स में जिस तरह आपको पता है कि 23 ऑटोसोम्स होते हैं, इसमें आपको उससे ज्यादा मिलेंगे, ठीक है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन में मिलेंगे, और दैट्स वाई जब कैंसर सेल डिवाइड करता रहता है और एबनॉर्मल क्रोमोसोम्स आपको मिलते हैं, तो कुछ कुछ लेवल पे जाके कुछ कैंसर सेल्स सिर्फ एबनॉर्मल जो है ट्रांसलोकेशन की वजह से, एबनॉर्मल फंक्शनिंग की वजह से मर जाते हैं। कुछ सेल्स हैं, कैंसर सेल्स जो एबनॉर्मल क्रोमोसोम सेग्रीगेशन को ना एक नए लेवल पे लेके जाते हैं, और उसको कहते हैं कि जेनेटिक इंस्टेबिलिटी, और वो जेनेटिक इंस्टेबिलिटी जो है ना दैट लीड्स टू कंटिन्यूस सर्वाइवल ऑफ कैंसर सेल। अच्छा, यहाँ एक प्रोसेस समझने की बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जरूरत है। अच्छा, यहाँ ये बताने की जरूरत है कि जो ऑन कैंसर सेल प्रोलिफरेशन के लिए अपने सिस्टम को चलाने के लिए बार दफा कुछ स्पेसिफिक पाथवेज को टारगेट करता है, वो ये सिलेक्ट करता है कि ये पाथवे जो है मेरी सर्वाइवल के लिए, मेरी प्रोलिफरेशन के लिए जरूरी है, इसलिए वो उन पाथवेज को लेके सिलेक्टिवली चलता है। फॉर एग्जाम्पल, जेनेटिक स्ट्रीम लाइनिंग में ये होता है कि वो पाथवे जो कि सिर्फ प्रोलिफ्रेशन के साथ चल रहा होता है, जो आपको ए पे नजर आ रहा है, उसी पाथवे को कैंसर सेल लेके चलता है और प्रोलिफ्रेट करता रहता है। इसी तरह जब सर्वाइवल और जो है ना अपोप्टोसिस दोनों पाथवेज जो हैं वो चलने हो, तो सर्वाइवल के पाथवे को लेके चलता है, जिसको ऑन्कोजेनिक शॉक के तौर पर लिया जाता है। इसी तरह बाज दफा ये होता है कि दो पाथवेज जो हैं वो इम्पोर्टेंट पाथवेज होते हैं, दोनों पाथवेज एक कॉमन सबस्ट्रेट को जो है ना लेके चलते हैं। अब उस कॉमन सब्सट्रेट के लिए उसमें से जो ज्यादा डोमिनेंट पाथवे होता है उसको कैंसर सेल अडेप्ट कर लेता है, ताकि वो सब्सट्रेट की फंक्शनैलिटी में फर्क ना पड़े और कैंसर सेल काम करता रहे। अगर आप इसमें सेल सेल साइकिल को अरेस्ट करना हो, तो आप सिंपल उसका डोमिनेंट अगर आपको पाथवे पता चल जाए तो आप उसको इनहिबिट कर दें, तो जो है ना सेल खत्म हो जाता है, सेल प्रोलिफरेट नहीं करता। इसी तरह अगर अपोप्टोसिस के पाथवे को इनिशिएट किया जाए, उस पाथवे को रोका जाए जो सेल सर्वाइवल के साथ है, तो भी कैंसर सेल मर सकता है। इसी तरह जो डोमिनेंट पाथवे जो कि उस सबस्ट्रेट को एक्टिवली जो है लेके चल रहा है, एक्टिवेट कर रहा है, उसको इनहिबिट कर दिया जाए, तो ऑल दीज डिफरेंट मेथोडोलॉजीज लीड टू एब्लेशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ कैंसर सेल्स, और उसका जो ऑन्कोजेनिक एडिक्शन, जो उसको जो आदत पड़ी होती है कि मैं इस पाथवे को लेके चलूँ, उसको इनहिबिट कर दिया जाता है। ये उसी की आगे डिटेल। इसके अलावा ये कुछ टारगेटेड ऑन्कोजीन्स हैं और कैंसर सेल लाइंस में ये एडिक्शन पाथवेज देखे गए हैं।
जो है अगर जो हमने क्लिनिकल ट्रायल्स में जो देखे हैं उसमें हर्टोन्यू, बीसीआर, एबीएल, सीकेट, ईजीएफआर और वीजीएफ पाथवेज जो है डिफरेंट कैंसर्स में जो डिफरेंट ड्रग्स जो हैं वो दी जाती हैं, इसलिए दी जाती हैं कि ये बेसिकली ऑन्कोजीन एडिक्शन के साथ हैं, कि स्पेशली इनमें ये पाथवेज हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिए हैं कि ये पाथवेज को अगर इनहिबिट कर दिए तो कैंसर सेल की ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। ये इसी तरह एक एग्जाम्पल है टारगेटेड थेरेपीज की, और उसमें कुछ टारगेटेड थेरेपीज ऐसी हैं जो कि अभी क्लिनिकल ट्रायल्स में, जिस तरह ब्रेफ के लिए मेलानोमा में एल के पार्प इनहिबिटर्स करंटली आ चुके हैं क्लिनिक्स में, उनका रिस्पॉन्स बहुत अच्छे हैं और मोस्ट प्रोबेबली जो है ना दे विल बी पार्ट ऑफ सम कैंसर रिजीम इन नियर। अच्छा, एपिजेनेटिक थेरेपी एक और बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसमें ये है कि अगर आप मिथाइलेशन को रोकते हैं, डीमेथाइलेशन एजिंग शूट्स करते हैं या एचडीएक इनहिबिटर्स यूज करते हैं, ठीक है, उसके साथ अगर आप P16 को, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, ट्यूमर सप्रेसर जीन्स को अगर आप जो है ना रोक देते हैं, और स्पेशली स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा में, तो दिस काइंड्स ऑफ थेरेपीज आर ऑल्सो ऑन हराइजन, क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं। तो अनकरीब जो है एपिजेनेटिक थेरेपीज विद एचडीएक इनहिबिटर्स और डीएनए डीमेथाइलेटिंग एजेंट्स जो है ना वो भी क्लिनिकल प्रैक्टिस में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, ठीक है, इंशाल्लाह ताला फिर आपसे मुलाकात होती है एक नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ।